नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने गेहूं, दलहन और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की। खुफिया विभाग ने एटीएस को बिहार के 36 संदिग्ध आतंकियों की सूची सौंपी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई, पटना में पेट्रोल की दर 90 रुपये प्रति लीटर के पार। और राज्य सरकार ने कहा, आधार नहीं रहने पर भी बच्चों को हर तरह की सुविधा का दिया जाएगा लाभ। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं की एमएसपी में 105 रुपए की वृद्धि कर 1840 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 845 रुपए, मसूर में 225 रुपए, चने में 220 रुपए, सरसों में 200 रुपए तथा जौ के एमएसपी में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि गेहूं की कीमत 1840 रुपए प्रति क्विंटल, चने की 4620 रुपए, मसूर की 4475 रुपए तथा सरसों की 4200 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। श्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस बार एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 1840 रुपए की गई है। आज से पूरे प्रदेश में रबी फसल अभियान की शुरुआत की जा रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कर्मशाला के बाद 9 अक्टूबर को सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय रबी कर्मशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में रबी मौसम में की जाने वाली फसलों की खेती और अन्य कृषि कार्य की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण और उत्पादन वितरण कार्यक्रम 24 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। खुफिया विभाग ने 36 संदिग्ध आतंकियों की सूची एटीएस को सौंपी है। जारी सूची में शामिल सभी 36 आतंकी बिहार के हैं। इसे लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिन आतंकियों की सूची सौंपी गई है, उनकी पहचान देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार आतंकियों ने की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन देश के अन्य हिस्सों के अलावा बिहार में भी त्योहारों के मौसम में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी और आतंकियों के नाम पते जारी करते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कानपुर और नेपाल सीमा से गिरफ्तार आतंकियों से इन सभी की पहचान की गई है। राज्य में अब तक हुए आतंकवादी घटनाओं में बोधगया बम ब्लास्ट, रफीगंज ट्रेन हादसा, पटना बम ब्लास्ट और आरा धमाका मुख्य रूप से शामिल है। डॉलर की कीमत पहली बार 73 रुपए से अधिक हो गई है। कच्चे तेल के दाम 85 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के कारण रुपया, सोना, शेयर बाजार पर असर पड़ा है। पटना में पेट्रोल की कीमत पहली बार 90 रुपए के पार हो गई है। पटना में पेट्रोल 90 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल भी 81 रुपए के पार हो गया है। नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष न्यायालय 10 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की खंडपीठ के समक्ष शिक्षक संगठनों, केंद्र और राज्य सरकारों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। राज्य के सभी थानों और आउटपोस्ट में अगले 15 दिनों में बिना तार वाले लैंडलाइन फोन लगाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति देते हुए राशि आवंटित कर दी है। इस राशि में एक वर्ष का टेलीफोन बिल भी शामिल है। इसमें बिहार झारखंड सर्किल के लिए अनलिमिटेड आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल की सुविधा होगी। दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार आने जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ये ट्रेनें देश के अलग अलग स्थानों से चलेंगी, जिससे त्योहारों में बिहार आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि अभी बिहार में रेल परियोजनाओं के विकास पर 40,000 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके तहत मोकामा में नये रेल पुल का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा हाजीपुर बछवाड़ा रेल लाइन, हाजीपुर रामदयालु नगर समस्तीपुर दरभंगा और क्यूल गया रेल लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि अगले 18 महीने के अंदर पूर्व मध्य रेलवे में 100% रेल लाइन का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गोपालगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगी। मिंज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती ईरानी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर भाजपा कोटे के राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा विधायक उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। श्री कुमार ने पटना में पार्टी की ओर से आयोजित दलित महादलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि आधार नहीं रहने पर भी बच्चों को हर तरह की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब स्कूलों में नामांकन और प्रोत्साहन राशि देने के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। हालांकि वैसे बच्चे जिनका आधार अब तक नहीं बना है उनका आधार बनवाने के लिए 15 अक्टूबर तक मेगा कैंप लगाया जा रहा है। इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार निवासी अभिनेता पंकज त्रिपाठी और पर्वतारोही संतोष यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इन दोनों के साथ अनुबंध किया है। ये दोनों निर्वाचन से जुड़े तमाम जानकारियों को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे। भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 40 सदस्यों का एक दल हरिद्वार से पटना तक मिशन गंगा सफाई अभियान पर राफ्टिंग पर निकलेगा। 1500 किलोमीटर का यह अनूठा अभियान कल 5 अक्टूबर से शुरू होगा और हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद बनारस बक्सर होते हुए पटना में 30 अक्टूबर को समाप्त होगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन की निगरानी के लिए नगर निगम ने 17 सदस्यीय शहर स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। इसकी अधिसूचना नगर आयुक्त संजय दुबे ने जारी की। गुजरात के आनंद में खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आज बिहार का सामना मणिपुर से होगा। नॉकआउट मुकाबले में पहुंचने के लिए बिहार को अपने मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। 6 मैच में 5 जीत के बाद बिहार 22 अंक लेकर शीर्ष पर है। इसके साथ ही उत्तराखंड भी मजबूत दावेदार है। इन दोनों में से कोई एक टीम नॉकआउट राउंड में पहुंचेगी। बीसीसीआई के 2020 टूर्नामेंट के लिए बिहार अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना की अपूर्वा को टीम का कप्तान बनाया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि जबलपुर में बिहार का पहला मुकाबला 14 अक्टूबर को होगा। पटना में संपन्न 11वीं बिहार सीनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पटना की टीम ने 65 अंक लेकर खिताब जीत लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग के सामने बुलंद की प्रदेश की हक की आवाज। अखबार लिखता है, विशेष दर्जा मिले तो बिहार भी बन सकता है विकसित राज्य। दैनिक जागरण ने इस खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार का भी खर्च करना उचित नहीं, विशेष दर्जा से ही बिहार में उद्योग और निवेश संभव। प्रभात खबर का शीर्षक है, मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड मामले में बालिका गृह से गायब लड़की की तलाश में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, शमशान घाट पर खुदाई, कंकाल बरामद। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, गोपालगंज का मामला, थाने से जब्त शराब बेचने में थानेदार जमादार गिरफ्तार। आज अखबार लिखता है, नियोजित शिक्षकों को समान वेतन मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गेहूं दलहन और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की। खुफिया विभाग ने एंटी टेररिस्ट सेल को बिहार के 36 संदिग्ध आतंकियों की सूची सौंपी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुई वृद्धि, पटना में पेट्रोल की दर 90 रुपए प्रति लीटर के पार। और राज्य सरकार ने कहा, आधार नहीं रहने पर भी बच्चों को हर तरह की सुविधा का दिया जाएगा लाभ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19वीं भारत रूस द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता जताई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तेल कंपनियों को विदेशों से दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी उधार लेने की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई अगले वर्ष 18 से 21 फरवरी के बीच होगी और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से राजकोट में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इन फसलों का विपणन अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल शाम संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक है। कृषि मंत्री ने बताया, इस बार 19-20 में विपणन की जाने वाली 18-19 मौसम की जो रबी की फसलें हैं उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गेहूं पर 105 रूपये, जौ पर 30 रूपये, चना पर 220 रूपये, मसूर पर 225 रूपये, तोरिया एवं सरसों पर 200 रूपये और कुसुम पर 845 रूपये की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। हमारी सरकार का एक निर्णय है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और जो MSP हमने फिक्स किया है इससे किसानों को 62,635 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत के किसानों के सशक्तिकरण और आय के अतिरिक्त आमदनी के प्रावधान का हमारा संकल्प है। मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे राष्ट्रीय राजधानी में 19वीं भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे जिसमें आपसी संबंधों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। अपनी यात्रा के दौरान श्री पुतिन भारत रूस व्यापार बैठक को संबोधित करने के साथ साथ बच्चों के एक समूह से भी बातचीत करेंगे। मास्को रवाना होने से पहले उनकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक पिछले साल जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान हुई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से मैं दिवाकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किए बिना संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। श्री कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा स्थायी सदस्यता समकालिक वैश्विक जरूरतों को प्रदर्शित नहीं करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता और कार्य प्रणाली को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तरह से तैयार करने की जरूरत है। वस्तु और सेवा कर परिषद की पिछले सप्ताह हुई बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए राज्य GST ढांचे में 31 बदलाव किए हैं। राज्य के वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। होटल, रेस्तरां और व्यापारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तेल कंपनियों को विदेशों से दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी उधार लेने की अनुमति दे दी है।
रिजर्व बैंक ने नीति में ढील देते हुए सरकारी खुदरा तेल विक्रेता कंपनियों को विदेशों से 10 अरब डॉलर तक उधार लेने की अनुमति दी है। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित तेल विपणन कंपनियों को दीर्घावधि आधार पर बाहर से उधार लेने की अनुमति नहीं थी। रिजर्व बैंक ने अपने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने और कुछ अन्य खामियों को देखते हुए फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है कि फेडरल बैंक जोखिम आधारित निगरानी के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए बड़े ऋणकर्ताओं के बारे में जानकारी देने और एटीएम संबंधी शिकायतों के समाधान में देरी के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने में विफल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल क्रांति में तेजी लाने के उपाय किए हैं। राज्य में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 36 जिलों में सभी 28,000 ग्राम पंचायतों को इस वित्त वर्ष के अंत तक इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया केंद्र सरकार की मुहिम है, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। पेश है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। राज्य के 28,000 में से 26,000 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जुड़ गई है, जिससे मिनटों के भीतर किसानों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्माण अनुमति, कर चालान आदि जैसे 27 विभिन्न दस्तावेज आसानी से प्राप्त करने में मदद मिल रही है। औरंगाबाद जिले के जटवाड़ा गांव की सरपंच श्रीमती प्रियंका लोखंडे ने कहा कि यह डिजिटल सुविधाएं सार्वजनिक और यहां तक कि ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुई है। लोगों में डिजिटल इंडिया के प्रति बहुत जागरूकता निर्माण हो रही है। गांव के सभी बैंक खातेदारों के पास एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। गांव के दुकानदारों ने अपने अपने दुकान में मशीन लगाया है, तो कुछ दुकानदारों ने बारकोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का पर्याय चुना है। गांव में सीएससी सेंटर के तहत सरकार की सेवाएं इंटरनेट द्वारा पहुंच रही है और हमारी ग्राम पंचायत भी जो ऑनलाइन हो चुकी है, तो गांव के लोगों को भी उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। लोगों को जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और कर्ज माफी फॉर्म वगैरह जो चाहिए होता है, वो हम तुरंत ऑनलाइन निकाल देते हैं। गांव के डिजिटलीकरण के बाद अकादमिक और व्यावसायिक दोनों तरह की शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करने के कार्य में सरकार आगे बढ़ रही है। रमेश जायबाए, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद। हावड़ा कालका मेल के डिब्बों को उन्नत कर उत्कृष्ट कोच में परिवर्तित किया गया है। उत्कृष्ट कोच वाली इस रेलगाड़ी का कल शाम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने उत्कृष्ट कोच की विशेषताओं के बारे में आकाशवाणी को जानकारी दी। श्री लोहानी ने बताया कि पहले चरण में मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के 140 कोच को उन्नत बनाने की योजना है। उन्नत बनाने की प्रक्रिया में डिब्बों के आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूपों के बदलाव के बारे में श्री लोहानी ने कहा, खासतौर से टॉयलेट्स का जो फ्लशिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव किया गया है और इसमें हेल्थ फॉसेट वगैरह है, स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स हैं, फ्लोर मैट है, फिर इसके जो गैंगवेज हैं, एम्बियंस है, तो इल्यूमिनेशन लेवल्स इम्प्रूव हो गए हैं और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे इसको किया गया है। करीब 60 लाख पे पूरी ट्रेन कवर हो गई। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई अगले वर्ष 18 से 21 फरवरी के बीच होगी। न्यायालय ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। न्यायालय की कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सुनवाई अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में वेबसाइट पर लाइव उपलब्ध होगी। श्री जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी का आरोप है। भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमरीका को आदेश दिया है कि वह मई में ईरान के साथ परमाणु समझौता खत्म करने के बाद उस पर दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अमरीका को भोजन, दवाओं और उड्डयन सुरक्षा उपकरणों सहित मानवीय सामग्री के निर्यात पर किसी प्रकार की बाधा को हटाना होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से राजकोट में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारत टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान बनाए रखने का प्रयास करेगा। चीनी ताइपे बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजय जयराम और सौरभ वर्मा आज दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। जयराम का मुकाबला डेनमार्क के किम ब्रुन और सौरभ जापान के रिची ताकिशिता के साथ खेलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पोलियो की खुराक में टाइप 2 वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद वहां निगरानी बढ़ा दी गई है।
हालांकि मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि देश पोलियो से मुक्त है। इन इलाकों में पोलियो वैक्सीन के विषाणु के फैलाव पर लगातार चौकसी बरती जा रही है और मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ भागों में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बने रहने और इसके अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। मछुआरों को शनिवार से सोमवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए जाने को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के शब्द दिए हैं, सबका साथ सबका विकास में प्रकृति भी शामिल। रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दैनिक भास्कर का कहना है, अमरीका जिसके खिलाफ रूस से उसी डिफेंस डील पर दस्तखत करेगा भारत। हरी भूमि की सुर्खी है, मंत्रिमंडल ने बढ़ाया रबी फसलों का समर्थन मूल्य, गेहूं में 105 और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। पंजाब केसरी का कहना है, आंदोलन के बाद सरकार का किसानों को तोहफा। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी पर भी अखबारों की नजर है। मायावती को कांग्रेस का साथ नामंजूर, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान। हिन्दुस्तान लिखता है, महागठबंधन की संभावनाओं को झटका। राजस्थान पत्रिका ने भाजपा द्वारा श्री प्रकाश जावड़ेकर को राजस्थान और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की खबर दी है। अमर उजाला ने लिखा है, नए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई का आदेश, फांसी, घर से बेदखल जैसे मामलों में ही होगी फौरन सुनवाई। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार जस्टिस गोगोई ने कामकाज संभालते ही जारी किया नया रोस्टर, जस्टिस लोकर और जस्टिस जोसेफ के लिए स्पष्ट किए केस। दैनिक जागरण ने बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, पहली बार वापस म्यांमा भेजे जाएंगे 7 रोहिंग्या घुसपैठिए, 2012 से असम की एक जेल में थे। दैनिक भास्कर की खबर है, सीबीएसई 12वीं की अंग्रेजी कोर परीक्षा में 40 की जगह अब सिर्फ 35 प्रश्न होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19वीं भारत रूस द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता जताई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तेल कंपनियों को विदेशों से दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी उधार लेने की अनुमति दे दी है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से राजकोट में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।